Hello friends, this is Rahul. Welcome back to CAD Stylers AutoCAD tutorial series. So friends, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिजाइन सेंटर के बारे में कि डिजाइन सेंटर को हम किस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं, मींस कि हम अपने बनाए हुए ब्लॉक्स को किस तरह से डिजाइन सेंटर के अंदर लाइब्रेरी के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं और उसे परमानेंट सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यही करेंगे। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में किया था, डिजाइन सेंटर किस तरह से ओपन करते हैं, डिजाइन सेंटर के अंदर हम ब्लॉक्स किस तरह से देख सकते हैं, उनको इंपोर्ट किस तरह से कर सकते हैं और जो ब्लॉक्स हैं उनको एडिट किस तरह से कर सकते हैं। सो अगर जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से वीडियोस देख सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो जैसे कि फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कुछ पार्ट्स बना के रखे हुए हैं, तो इनको मैं क्या करूंगा, वन बाय वन ब्लॉक्स में सेव करूंगा। सो किस तरह से हम डिजाइन सेंटर की लाइब्रेरी में इसे ऐड करेंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे ये सारे पार्ट्स बना रखे हैं, आप भी यहाँ पे कुछ भी पार्ट्स बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या पार्ट्स बना रखे हैं, ये सारे HVAC के पार्ट्स हैं। इसे हम कहते हैं डिफ्यूजर, इसे हम कहते हैं बेंड, या फिर इसे हम रिड्यूसर भी बोल देते हैं, इसे हम रिटर्न कहते हैं। वन वे रिटर्न आ जाएगा, ये टू वे रिटर्न आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इस तरह से मैंने कुछ पार्ट्स बना के रखे हैं। सो इन्हें मैं किस तरह से लाइब्रेरी में सेव करूंगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी का ब्लॉक बनाएंगे। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे ब्लॉक सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ डिफ्यूजर। सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा डिफ्यूजर। सो सिलेक्ट मैंने ऑब्जेक्ट किया, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया, ओके कर दीजिए, ये मेरा ब्लॉक क्रिएट हो गया। देन अगेन मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बेंड, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट कीजिए ऑब्जेक्ट को, एंटर, और ये भी आपका ब्लॉक बन जाएगा। अगेन यहाँ पे वन वे रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, एंटर, ओके, अगेन ये टू वे रिटर्न आ जाएगा। और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, एंटर, ओके। सो फ्रेंड्स, अभी मेरे सारे ये ब्लॉक्स बन चुके हैं। सो फ्रेंड्स, अब क्या करना है आपको, इस फाइल को सेव करना है आपने डेस्कटॉप के अंदर या कहीं पे भी आप सेव कर लीजिए। सो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, HVAC पार्ट्स। ठीक है, ये मैंने डेस्कटॉप के अंदर सेव कर लिया है। अब देखते हैं डेस्कटॉप के पास फाइल है कि नहीं है। अब देखिए यहाँ पे डेस्कटॉप में फाइल मेरे को शो हो रही है। सो मैं यहाँ पे अब क्या करूंगा, मुझे इस फाइल को क्लोज करना है। ठीक है, ध्यान रखना है ये फाइल क्लोज होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं अभी इसको क्लोज नहीं करूंगा, क्लोज करने का रीजन अभी आपको पता चल जाएगा। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, PC में चले जाएंगे, सी ड्राइव में चले जाएंगे, और उसके बाद जैसे प्रोग्राम फाइल्स में चले जाएंगे, ऑटोडेस्क में चले जाएंगे, 2017 ऑटोकैड में चले जाएंगे, जो भी आपने इंस्टॉल किया होगा वो वाला वर्जन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके बाद सैंपल फाइल में आ जाएंगे और ENUS में पहुंच जाएंगे। सो यहाँ पे डिजाइन ब्लॉक्स में आ जाएंगे हम। सो यहाँ पे देख लीजिए आपके पास ऑलरेडी लाइब्रेरीज पड़ी हुई हैं, तो यहाँ पे हम अपनी कस्टमाइज लाइब्रेरी को भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इस फाइल को मिनिमाइज करना है और यहाँ से जो मैंने फाइल सेव की हुई है इसे आपने क्या करना है, ड्रैग करना है और इसमें यहाँ पे मूव कर देना है। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ट्राई अगेन, दिस एक्शन कांट बी कंप्लीटेड बिकॉज द फाइल इज ओपन इन ऑटोकैड एप्लीकेशन। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, हमारे पास ये जो फाइल है ये ओपन है, तो हमें इसे क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, सो जैसे मैं इसे क्लोज कर रहा हूं और उसके बाद जैसे मैं इसे इंपोर्ट करूंगा इसके अंदर, तो आप देख लीजिए यहाँ पे कंटिन्यू की ऑप्शन आ रही है, आप इसे कंटिन्यू कर दीजिए और यहाँ पे आपके पास ये वाली फाइल आ जाएगी। ठीक है, सो इसे क्लोज करते हैं, ऑटोकैड के अंदर न्यू फाइल ओपन करते हैं। सो अभी डिजाइन सेंटर को ओपन करते हैं और ENUS में चले जाते हैं, डिजाइन ब्लॉक्स में चले जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, ये देखिए जो हमने फाइल इम्पोर्ट की थी वो यहाँ पे शो हो रही है, तो इसे ओपन कीजिए। यहाँ पे भी ब्लॉक्स जो आपने बना रखे हैं वो सारे यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे, आप किसी को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। लाइक मैंने इसे इंपोर्ट किया तो इस तरह से आपके पास ये ब्लॉक आ जाएगा, ये देखिए आ गया आपके पास। ठीक है, इसी तरह से आप बाकियों को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। हमारे पास ये भी आ रहा है, हमने ये भी इंपोर्ट कर लिया, हमने ये भी इंपोर्ट कर लिया, क्लोज कर दीजिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये देखिए सारे के सारे पार्ट्स आपके पास यहाँ पे इंपोर्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरह से आप कस्टमाइज अपने फाइल्स को डिजाइन लाइब्रेरी के अंदर
इंपोर्ट कर सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या हो जाएगा आपके पास, मान लीजिए आपने कोई ब्लॉक बना के सेव रखा है तो गलती से आपसे वो ब्लॉक डिलीट हो गया तो आपको यहाँ पे विजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपने डिजाइन सेंटर के अंदर इसे इंपोर्ट करके रखा है तो ये हमेशा आपके पास ही रहेगा। आपको डिजाइन सेंटर में ही जाना है और यहाँ से फाइल को इंपोर्ट करना है, सिंपल, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो किस तरह से आप डिजाइन सेंटर को कस्टमाइज कर सकते हैं, अपनी ड्राइंग को किस तरह से कस्टमाइज करके डिजाइन सेंटर के अंदर इंपोर्ट करके सेव कर सकते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज और है, जैसे आप अपनी फाइल को डिजाइन सेंटर के अंदर इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ से जो आपकी ओरिजिनल फाइल होगी जो आपने सेव कर रखी थी वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी। देखिए, यहाँ पे डेस्कटॉप में मेरी फाइल पड़ी थी ऑटोकैड की, बट वो यहाँ पे अब नहीं विजिबल है। सो वो आपकी कहाँ पे आएगी, अभी डिजाइन सेंटर के अंदर आएगी, ठीक है। सो आप उसे इस तरह से यूज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।